आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज संगम तट पर होने वाले महाकुंभ महापर्व के अवसर पर उसके पूर्व राजशाही अंदाज में जूना अखाड़े के साधु संन्यासियों ने किया नगर प्रवेश। जयकारे चारों तरफ गूंजते रहे। श्री पंच दशानन जूना अखाड़े के साथ साधु संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। अंदावा स्थित रामपुरा से शुरू हुई नगर प्रवेश यात्रा में सुसज्जित घोड़े रथ बग्घी आदि शामिल रहे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए एलन सिंह की प्रयागराज से ये रिपोर्ट। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत गिरी के दिशा निर्देशन में नगर प्रवेश यात्रा रामपुरा से आरंभ होकर मौजागिरी पंच दशानंद तक पहुंची। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए एलन सिंह की प्रयागराज से रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं जूना अखाड़े में बहुत सारे लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जूना अखाड़े के महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, उनके द्वारा क्या कहा गया मीडिया से। भाई दूज का पर्व है, भाई दूज का पर्व आप जानते हैं, कलंदी महारानी का पूजन का दर्शन का लाभ है। आज स्वयं उनके दोनों भाई अनुज जम और शनिदेव दोनों मतलब जो है आज जमुना से भाई बिलन का त्योहार माना जाता है और आज ही वो दिन की मुलाकात होती है और इस कारण से माना जाता है कि महादेव ने त्रिदेव ने वरदान दिया हुआ है कि जमुना महारानी में आज जो भी कोई स्नान या स्पर्श करेगा अश्विनी लेगा और उसको स्वयं जमराज के संग जो है धर्मराज के रूप से ही मिलेंगे और उसके जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का त्रिदेव का वरदान होने कारण आज जमुना कालंदी तट पे जूना अखाड़ा जो है महारानी कलंदा का पूजन पाठ करेगा और वही दत्तात्रेय जयंती तक वास करेगा और महारानी का विधिवत सब प्रकार का जमुना जयंती वगैरह देवउठान वगैरह अनेक प्रकार का पर्व का अनेक प्रकार का आयोजन कहाँ किया जाएगा सिद्ध बाबा मैलगिरी मंदिर में जमुना तट। इसलिए आज का नगर प्रवेश का नियम है कि किसी नगर में कुंभ मेले के जूना अखाड़े की विशाल आबादी होने कारण आप अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए समय के साथ प्रशासन के पास समय रहे और सब रहे। इस प्रकार की हमारा जो परंपरा थी कि हम शरद पूर्णिमा को इस रामापुर में आए थे और उसके शरद पूर्णिमा पे गंगा स्नान हुआ और गंगा स्नान करने के बाद अब जमुना स्नान चलेगा कार्तिक का महीना। आप जानते हैं कालंदी का उत्सव होता है, कालंदी उत्सव मनाया जाएगा, जमुना जयंती मनाया जाएगा और जो है देव उठान भगवान नारायण आप जानते हैं कि वो उठ रहे हैं उसी तरह से देव उठान पे देव दिवाली पे जमुना जी का पूजन पाठ चलेगा। कलंदी का पूजा दत्तात्रेय जयंती को हम लोग फिर सरकार की अनुमति मिलने के बाद कुंभ मेला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद जमीन कटने के बाद भागीरथी तट संगम पे कुंभ मेला में प्रवेश करेंगे। सुना आपने क्या कहना था जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरी महाराज के द्वारा। अब हम आपको इसके बाद किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनके द्वारा क्या कहा गया इसके बाद हम आपको सुनाने जा रहे हैं। किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़ा के साथ ही पूरा सहयोग करता नजर आ रहा है, ये सुनते हैं क्या कहना है। सीधे साधे तरीके से नगर प्रवेश होगा। हमारी देवत्व यात्रा जो जूना अखाड़े के साथ हम निकालेंगे उसे हम बहुत सुंदर तरीके से और बहुत भव्य तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ मिलके अपने सारे शाही स्नान हो नगर प्रवेश हो चाहे देवत्व यात्रा हो हम सभी जूना अखाड़े के साथ करने जा रहे हैं।
ये अभी आपने जो सुना, ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के द्वारा जो जानकारी दी गई वो हमने आपको यहाँ पर जानकारी बताई। ढोल नगाड़े और बाजे के साथ रथों पर सवार होकर साधु संत इस पूरे यात्रा में शामिल रहे। प्रयागराज कुंभ 2025, इस संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार आपको अपडेट देती आ रही है और लगातार ही आगे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए प्रयागराज से एलन सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।